तो वेलकम सर, सरकार ट्रेडर्स की तरफ से हमारे जितने एसएमसी क्लाइंट है, एसएमसी के अंदर हम अकाउंट ओपन किए हैं सबको, तो अभी तक हमने काफ़ी बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पे बाकी जिन लोग आज ज्वाइन नहीं हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा जो अभी बातचीत कर रहे थे, कि मैं छोटा सा एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को पोस्ट करूँगा कि महीने में या 10-15 दिन में आप लोगों के साथ बैठूंगा, और आप लोगों को जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है किस स्टॉक में होल्डिंग के लिए हमें क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या देख के हम होल्डिंग शेयर्स को बाय करेंगे, इन सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। जो एसएमसी का ये प्लेटफॉर्म है, एसएमसी का प्लेटफॉर्म को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाला फैसिलिटीज, इसके अंदर इंट्राडे, इसके अंदर न्यूज़, सबसे बड़ी जो चीज़ होता है मार्केट का न्यूज़ हमें कहाँ से मिलेगा, है ना। तो मार्केट का न्यूज़ के लिए भी एसएमसी के अंदर हमें अच्छा जगह मिल जाता है, जो कौन सी स्टॉक के ऊपर। भारत इलेक्ट्रिक अभी हम जो देख प्राइस, यह काफी दिन पहले का न्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है जो लेटेस्ट न्यूज क्या है। तो स्टॉक के ऊपर जाके जो अभी भारत इलेक्ट्रिक का मैं शेयर्स ओपन कर रखा हूँ, इसलिए भारत इलेक्ट्रिक का न्यूज दिखा रहा है, ठीक है। और फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिस स्टॉक के ऊपर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना है तो वो देख सकते हैं। एंड मेनली जो आपका वॉच लिस्ट, यहाँ पे जो MH, जो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऊपर जाके अपना नाम से हम आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इसके ऊपर जाइए, जाने के बाद मैं जैसे मेरे नाम से कौशिक का नाम से मैं बना रखा हूँ और इसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट भी किया हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे शेयर्स का नाम ऐड कर सकते हैं। SBI, तो SBI एंड इक्विटी शेयर्स, ये SBI का नाम ऐड हो गया है। आपने बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 31 शेयर का कॉल 7 जनवरी, ये देखिए स्टॉक प्राइस आ रहा है, तो यहाँ पे 7 जनवरी का कॉल हम ऐड कर सकते हैं। जब कोई बाई सेल करेंगे तो इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाते ही बाई एंड सेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जाते ही बाई एंड सेल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर जाके हम सिंपली इंटरडे, इंटरडे करना है तो इंटरडे में क्वांटिटी यहाँ पे डाल दीजिए, प्राइस जो चल रहा है देख लीजिए, इसके ऊपर आपको डिस्प्ले होगा विद इन सेकेंड, विद इन माइक्रो सेकेंड आपको ये प्राइस डिस्प्ले होता रहेंगे। तो यहाँ पे अगर वो प्राइस आपको चेंज करना है, यहाँ पे प्राइस चेंज कर दीजिए, टारगेट लगाना है तो यहाँ पे RL पे जाके जब सेल करेंगे बाइंग के बाद, तो इस टाइम पे जाके SL लिमिट करके भी SL देके और RL मार्केट ऑर्डर, SL ऑर्डर और SL लिमिट ऑर्डर, इन तीनों को इस्तेमाल हम कर सकते हैं करके आप प्रोसेस कर दीजिए। प्रोसेस करने के बाद अभी तो रिजेक्ट होगा, अभी AMO ऑर्डर ही लग सकता है, ठीक है। अब वर्किंग डेज में जो नेक्स्ट वर्किंग डे है AMO ऑर्डर, AMO ऑर्डर क्या होता है, जब मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद भी हम ऑर्डर लगा सकते हैं, ओके। तो AMO ऑर्डर यहाँ पे बता रहा है जो विल बी प्रोसेड ऑन नेक्स्ट वर्किंग डेज, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डेज जिस दिन शुरू होगा उस दिन आप यहाँ पे प्राइस लगा के रख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, और उस टाइम पे ये लग जाएगा ऑर्डर, वहाँ पे क्लिक किए और ऑर्डर सक्सेसफुल। अब जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माई ऑर्डर बुक नीचे जितने ऑप्शन था यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं। जो अगर आप लोग मोबाइल पे ट्रेड करते हैं तो मोबाइल पे भी आई थिंक सभी के पास अपना यूजर आईडी पासवर्ड है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो एसएमसी का जो हमारा कलकत्ता ब्रांच का नंबर है वो डायरेक्ट वहां पर नंबर ले लीजिए। किसी के साथ अगर डायरेक्टली ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली आप मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि आप लोग जो अकाउंट ओपन किए हैं सभी लोग मुझे देख के अकाउंट ओपन किए हैं, है ना। तो आपको साथ किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन कीजिए, ओके। खास करके एसएमसी में किसी तरह का दिक्कत आ रहा है तो मैं हमेशा सबको मैं फोन करके या व्हाट्सएप करके खबर नहीं रख सकता हूँ, कि आपको पता है कि काफी बिजी शेड्यूल रहता है, मार्केट अवार्ड्स, वीडियो बनाना, फिर एनालिसिस करना नेक्स्ट डे के लिए। तो मैं ये तरीका अपनाया हूँ कि जितने हमारे एसएमसी क्लाइंट है, जिन लोग हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप लोग टेक्निकल चीज को नॉर्मली सीखना चाहते हैं कि नॉर्मली हमें इंटरडे के लिए क्या चीज देखना चाहिए, इन तमाम क्वेरीज को लेके हम फिर से नेक्स्ट वीक फिर बैठने का कोशिश करेंगे। एंड जो सिंपली टिक्स, कोई टेक्निकल एनालिसिस मैं नहीं दिखाऊंगा, जो अगर जिन लोग आज का मीटिंग ज्वाइन नहीं किए हैं उनको मैं बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीक में जब हम बैठेंगे, अब नेक्स्ट वीक का मीटिंग ज्वाइन कीजिए, इसके अंदर जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म है उसे हम यूज करेंगे, उसे यूज करके उसका चार्ट में जाके इसके ऊपर चार्ट कैसे देख सकते हैं, उस चार्ट को देख के यहाँ पे टेक्निकल चीज कैसे लगा सकते हैं, है ना। और किस जगह पे हमें कोई स्टॉक को बाय करना चाहिए, सपोज मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया है। अब इसके ऊपर
आपको किस जगह पे बाइंग है, किस जगह पे सेलिंग करना है, तो इन तमाम चीज के ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा नेक्स्ट वीक में, ताकि आज जो मीटिंग में शेड्यूल बनाया था यहाँ पे सिर्फ हम देख पा रहे हैं 5 लोग हम एक साथ बैठे हैं, तो हम एक साथ जो एसएमसी के अंदर हमारे क्लाइंट है लगभग 15 से 20 क्लाइंट हम एक साथ अकाउंट ओपन किए हैं। जिन लोग अकाउंट ओपन नहीं भी किए हैं और प्रोसेस करके छोड़ दिए हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि ये फैसिलिटीज हमारा हर वीक हम एक साथ बैठेंगे आप लोगों के साथ, एंड जितने आप इसके अंदर दिलचस्पी रखेंगे सीखने का कोशिश करेंगे आप मुझे बताइए, आप लोगों के लिए अलग अलग सेमिनार और अरेंज कराऊंगा एसएमसी की तरफ से। ठीक, तो ये सारे चार्ट को कैसे रीड करना है, किस जगह पे बाइंग करना है, किस जगह पे सेलिंग करना है, इन तमाम चीज के ऊपर हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट एक साथ बैठने का। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी किसी को अगर कोई बातचीत नहीं है तो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग हम इस मीटिंग में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद हम इस प्लेटफॉर्म को समझने का कोशिश करेंगे, इस प्लेटफॉर्म में बाइंग सेलिंग का कोशिश करेंगे। और देखिए, जो जीरोधा में सबसे ज्यादा हमें समझ में आता है चार्ट, तो आप किसी चार्ट को समझने का कोशिश करेंगे तो हर एक प्लेटफॉर्म में आएगा, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एसएमसी के अंदर भी बाइंग सेलिंग एंड प्लेटफॉर्म समझना इस तरीके से एसएमसी के अंदर भी आता है। तो हमें जो मैं शुरू में बात कर रहा था इंट्राडे और होल्डिंग के लिए, उसके लिए आप क्लियरली ध्यान दीजिएगा कि जिस अकाउंट में मैं इंट्राडे कर रहा हूँ उसमें इंट्राडे ही करूंगा, जिस अकाउंट में होल्डिंग करूंगा उसे होल्डिंग ही करूंगा। ठीक है, और टेक्निकल टेक्निकल जो मैसेज एसएमसी की तरफ से ये आप लोगों को मिलता है क्या, यहाँ पे काफी होल्डिंग कॉल। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इनका मैसेज आता है। ये देखिए, हर हफ्ते मेरे पास ये मैसेज आता है व्हाट्सएप में। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमारे पास तो नहीं आता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको पास भी ये मैसेज हर हफ्ते जाएगा। नहीं आता है, हमारे पास भी नहीं आता। अभी तो मैं एसएमसी में काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ पहले पोलिस कर देना चाहता था, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत पैसा, ज्यादा नहीं है, हाँ बस थोड़ा अमाउंट है, समझो हाँ काम बंद ही है एसएमसी हाँ में। हाँ कौन बोल रहे हैं? मैं समीर, समीर बोल रहा समीर हूँ। दा। ओके, तो समीर दा ठीक है, हम सभी को बता रहे हैं कि आप लोग काम कीजिए, इनके ऊपर बहुत फैसिलिटीज मिलता है। अभी एसएमसी का जो प्लेटफॉर्म है अच्छा ये काफी पुराना है, अगर हम अगर किसी प्लेटफॉर्म पे यकीन कर सकते हैं, जैसे होता है ना कोई बीच में एक जो कांड हुआ है, जो कोई ब्रोकर्स भाग गया है। বাবুন দা একটা মিটিং মিটিং আছে, আমি একটুখানি 5 মিনিট পরে করতেছি, একটা মিটিং আছে। ওকে, তো ইয়াহ পে দেখিয়ে, যো হর উইকলি আপ আগর উইকলি বেস পে ইনভেস্ট করনা চাহতে হ্যায় তো ইসকে উপর আপকো টেকনিক্যাল দিখা কে ইয়ে স্টক ভেজতে হ্যায়। জেসে ইয়াহ পে দেখিয়ে, ইস উইক কে লিয়ে ক্যা ভেজ রহে, পিরমল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড PEL, ইন লোক ক্যা বাতা রহে, দা স্টক ক্লোজড এট 1480, 1480 পে ক্লোজ হুয়া হ্যায় 1 জানুয়ারি কো, एंड 52 हाई है, लो है 606, एंड 24 मार्च को जो बनाया था, और 52 जो हाई है वो है 1727। ओके, 29 जनवरी 2020 द 200 डेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इसको क्रॉस किया है इन्होंने 1373 के ऊपर। इन्होंने आपको टेक्निकल बता के स्टॉक बताता है कि लास्ट में इन्होंने क्या बताता है कि हमारा टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। तो अगर हम होल्डिंग स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे हम हर वीक के बेस पे वीक में 4 से 5% इससे भी ज्यादा टारगेट ये लोग देते हैं, और ये मैं कई बार वॉच किया हूँ, स्टॉप लॉस के साथ इसके ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो जिन लोग होल्डिंग बेस पे काम करना चाहता है वो मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं, ये जो मैसेज आप लोगों के पास भी वीकली जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास भी वीकली जाएगा, एंड इसके ऊपर आप वॉच भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, पहले भी मैं ये चीज करता था, जो वीकली बेस पे मैं स्टॉक जरूर सजेस्ट करता था, मैंने आप लोगों को सजेस्ट करता था। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है इस वीक में अदानी पोर्ट जो शेयर है उसका प्राइस चल रहा होगा, पिछले दिन अदानी पोर्ट का प्राइस चल रहा है 503, तो 510 के ऊपर से, 510 के ऊपर ये और टारगेट आगे जा सकता है। तो हल्का एक बाउंस बैक अगर नहीं आता, मैं पहले भी एक बार कॉल दिया था आप लोगों को व्हाट्सएप में, याद है, शायद कुछ लोग निकल गए थे लेकिन मेरा कुछ फॉलोअर्स इसको होल्डिंग किए थे, और 575 के आसपास होल्डिंग किए थे, और अभी 595 मुझे कल भी मैसेज किए थे बंदा कि सर अभी टारगेट आ गया है निकल जाऊं क्या।
तो इस तरीके से अगर होल्डिंग कॉल अपना पाना चाहते हैं, जो देखो बैंक में जो पैसा हमारे पड़ा हुआ है, मैं हमेशा इन चीज को बताता हूँ, जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है उसमें हमें साल में कितना इंटरेस्ट देते हैं, और यहाँ पे अगर हमारा पैसा पड़ा रहेगा और उसमें वीकली बेस पे आप रोलिंग करेंगे, यहाँ पे हम अदानी पोर्ट के चार्ट देखेंगे, यहाँ पे अगर वीकली बेस पे हम उस शेयर्स को रोलिंग करेंगे तो उस शेयर हमें कितना रिटर्न दे सकता है, तो आई थिंक वीकली बेस पे आपको 5% रिटर्न दे देगा, ठीक है, वीकली बेस पे 3% 5% रिटर्न दे देगा। अभी बैंक में भी इंटरेस्ट का रेट और घट गया है, जो कि 4% से भी कम, किसी बैंक 4% इस तरीके से रिटर्न दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए हम सब साथ में रहेंगे, किसी जगह पे प्रॉब्लम होगा तो मैं फिर से वही बात बता रहा हूँ, किसी जगह पे आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर बताइएगा, आपको होल्डिंग शेयर्स या इंट्राडे जो ट्रेडिंग है वो किस तरीके से चल रहा होगा, एंड आगे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम स्टॉक मार्केट के ऊपर, इस तमाम चीज़ के ऊपर हम हर वीक में बैठेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा नेक्स्ट वीक में हम और काफ़ी लोग इस मीटिंग को हम फॉलो करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सभी हमारा SMC परिवार को एंड सबको हैप्पी न्यू ईयर का हार्दिक शुभकामनाएं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ हमारा जो SMC जो क्लाइंट है उनके साथ हम बात कर रहे थे जूम मीटिंग के माध्यम से, और इस तरीके से हमारा जितने क्लाइंट है जहाँ पे भी आप अकाउंट ओपन किए हैं, आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके साथ बैठना एंड आपको नॉर्मली टेक्निकल चीज़ को दिखाना सिखाना, तो आप डायरेक्टली मेरा जो नीचे नंबर है इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। हर वीक में जो भी हमारे साथ सदस्य जुड़े हैं, लक्ष्मीश्री में, SMC में, आस्था में, अपस्टॉक में, एंजल ब्रोकिंग में, जीरोधा में, सबके साथ हम बैठेंगे, ओके। और ये हमारा हर वीक जारी रहेगा, हर वीक में हम एक एक ग्रुप का जो अकाउंट होल्डर है उनके साथ हम ये मीटिंग करेंगे। जिन लोग हमारे अंडर SMC के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्टली हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपका साथ हेल्प किया जाएगा, एंड इस तरीके से हर वीक का होल्डिंग बेस के ऊपर कॉल भी दिया जाएगा एंड इंट्राडे बेस का कॉल तो मिलते ही रहेंगे। हमारा जो ऑनलाइन क्लास जो डीपली सीखना चाहते हैं वो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे इस कंटेंट के साथ संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्त, इस तरह का सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपके लिए और नया नया सेशन, नए नए तरीका, नया नया चीज लाने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।